सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी का 16th वीडियो है। इसके पहले मैं 15 वीडियोस प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ये रैंडम वेरिएबल। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है रैंडम वेरिएबल का, कैसे डिफाइंड किया गया है, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और मैथमेटिक्स का ही वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो आपको जैसे पता है कि रैंडम वेरिएबल जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो दोनों के लिए मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन अलग अलग है। डिस्क्रीट के लिए अलग डिफाइंड किया गया है और कंटिन्यूअस के लिए अलग डिफाइंड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट केस में कैसे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को डिफाइन किया गया है। इफ एक्स इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक द वैल्यूज x1 x2 डॉट डॉट xn। हम लोग x यहाँ पर एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मान रहे हैं और इसका फाइनाइट वैल्यूज है x1 x2 डॉट डॉट xn है। ये x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है x1 x2 डॉट डॉट xn, ये फाइनाइट वैल्यू है विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। और सभी रैंडम वेरिएबल के सभी वैल्यू के करिस्पॉन्डिंग उसका कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होता है। तो x1 के करिस्पॉन्डिंग मान लेते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी p1 है, x2 के करिस्पॉन्डिंग p2 है और डॉट डॉट xn के करिस्पॉन्डिंग pn है। तो ये सभी प्रोबेबिलिटी का आप अगर सम करेंगे तो सारे प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। जितना भी रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है उस सारे का रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी का अगर सम कर देते हैं तो वो निश्चित रूप से 1 होता है। देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स, जो रैंडम वेरिएबल एक्स है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसके एक्सपेक्टेशन को एक्स ई एक्स से डिनोट करते हैं, ई ऑफ एक्स से। और डिफाइंड कैसे करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक रैंडम वेरिएबल को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देंगे। जैसे x1 को p1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे p1 x2 को हम लोग p2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे p2 x2, डॉट डॉट xn को pn से मल्टीप्लाई करेंगे pn xn। तो सभी रैंडम वेरिएबल का वैल्यू और उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, जो सम आएगा उसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको समेशन के फॉर्म में लिखिएगा तो सिग्मा pi xi वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। तो ये हुआ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में कुछ विशेष नहीं करना है, बल्कि क्या करना है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है और उसको फिर हम लोग ऐड कर देंगे। एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन किया गया है, जरा इसके बारे में देखिए कि द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं x विथ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वगैरह का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप वहां उसको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप देख सकते हैं उसको। तो x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं px है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू है स्मॉल x और उसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, जो समीशन आएगा वो ex आएगा। तो ये दोनों डेफिनेशन सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, रिजल्ट सेम आएगा लेकिन डिफाइन करने का तरीका अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सभी का वैल्यू लिख दिया गया है, यहाँ पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्या वैल्यू होगा वो इंडिविजुअल वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ स्मॉल x लिखा हुआ है। और यहाँ पर सभी का प्रोबेबिलिटी लिख दिया गया है p1 p2 p3 डॉट डॉट। और यहाँ पर जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वैल्यू स्मॉल x है उसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को px से डिनोट किया गया है, लेकिन है दोनों रिजल्ट सेम ही। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वैल्यू और उसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो वही मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होता है। जरा चलिए इसको हम लोग एक समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे सपोज कीजिए हम लोग 2 क्वाइन को टॉस करते हैं। इफ वी टॉस 2 क्वाइंस
टूगेदर। अगर दो क्वाइन को टू क्वाइंस टूगेदर, अगर दो क्वाइन को एक साथ हम लोग टॉस करते हैं तो देन रेंडम वेरिएबल यहाँ पर एक्स मानते हैं, एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, जितना हेड मिलेगा उसकी संख्या को हम लोग एक्स मान रहे हैं। तो दो क्वाइन को अगर हम लोग टॉस करेंगे एक साथ तो कितना कितना हेड मिल सकता है? हो सकता है जो दो क्वाइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं उसमें से एक भी हेड नहीं आवे, हो सकता है एक हेड आवे, हो सकता है दो हेड आवे। तो रेंडम वेरिएबल एक्स जो मान रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स को, तो एक्स का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है एक्स का वैल्यू जीरो हो, मतलब एक भी हेड नहीं हो, या हो सकता है एक्स का वैल्यू वन हो, या हो सकता है एक्स का वैल्यू टू हो। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया जिसका तीन वैल्यू है, या तो जीरो है या वन है या टू है। अब इसका प्रायोरिटी निकाल लीजिए, पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स क्या हो गया? जीरो हेड आने का प्रायोरिटी। तो जीरो हेड कब आएगा? जब दोनों दो क्वाइन को जो टॉस किया गया वो दोनों टेल हो जाए तब जीरो हेड आएगा। तो इसका प्रायोरिटी कितना होगा? यहाँ पर सिंपल स्पेस आप अगर देखिए, दो क्वाइन को अगर एक साथ टॉस करते हैं तो सिंपल स्पेस में क्या होगा? या तो दोनों टेल होगा, या पहला टेल दूसरा हेड, या पहला हेड दूसरा टेल, या दोनों हेड होगा। तो ये चार सिंपल स्पेस में एलिमेंट हो रहा है। तो इसका प्रायोरिटी अगर निकालना है दोनों टेल होने का, तो फेवरेबल कैसेज वन हो गया और टोटल कैसेज फोर हो गया। अगर हम लोग निकाले पी एक्स इक्वल टू वन, मीन्स ये क्या बता रहा है? वन हेड होने का। तो वन हेड कब होगा? तो वन हेड होने के लिए या तो ये हो जाए टी एच, यानी पहला टेल दूसरा हेड, तो एक हेड है, या फिर क्या हो जाए एच टी। तो ये दोनों केस में एक हेड है, या तो ये या फिर ये। तो इसके फेवरेबल केसेज हो गया टू और टोटल केसेज हो गया फोर, तो टू बाई फोर ये इसका प्रोबेबिलिटी निकल गया। अब पी एक्स इक्वल टू टू का अगर आप निकालें तो पी एक्स इक्वल टू टू मतलब दो हेड, तो दो हेड कब आएगा? जब दोनों क्वाइन का जो है वो हेड आ जाए, तो एच एच। तो इसके फेवर में वन केस है और टोटल केस है फोर। तो ये निकाल लिए हम लोग क्या रेंडम वेरिएबल है ये, और ये रेंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी है। तो रेंडम वेरिएबल का तीन वैल्यू था, तो वो तीनों के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में क्या करते हैं हम लोग, इस टेबल में हम लोग एक्स को लिखते हैं रेंडम वेरिएबल का वैल्यू, और फिर उसका प्रोबेबिलिटी लिखते हैं पी एक्स। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको आप ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर आप इसको एक्स आई कह दीजिए और यहाँ पर इसको पी एक्स आई, तो पी एक्स आई को स्मॉल पी आई कह सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पी आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो एक्स आई क्या बता रहा है? रेंडम वेरिएबल का वैल्यू। रेंडम वेरिएबल का वैल्यू या तो जीरो है, या वन है, या टू है, जिसको आप इसको कह सकते हैं एक्स वन, इसको हम लोग एक्स वन कह दिए, इसको एक्स टू, और ये एक्स थ्री। तो जो रेंडम वेरिएबल का वैल्यू मिल रहा है उसको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से डिनोट कर रहे हैं, और इसके करिस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगा उसको पी आई यानी पी वन पी टू पी थ्री से डिनोट करेंगे। तो आप पी आई निकालिए, देखिए एक्स इक्वल टू जीरो के लिए प्रोबेबिलिटी कितना है? वन बाई फोर। एक्स इक्वल टू वन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? टू बाई फोर। और एक्स इक्वल टू टू के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? वन बाई फोर। ये आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स आई और पी आई को, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो टू बाई फोर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, ये भी टू बाई फोर होगा। आप इसको सम कर दीजिए, सिग्मा पी आई एक्स आई, तो सिग्मा पी आई एक्स आई ये दोनों को टू बाई फोर और टू बाई फोर को ऐड करते हैं, तो ये फोर बाई फोर आ रहा है, यानी कि ये वन आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना हो गया? एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो वन आया, यानी कि ये अगर इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं रेंडम वेरिएबल को, डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू वन आ रहा है। ये जरूरी नहीं है वन हो, सभी केस में अलग अलग हो सकता है। तो इस केस में यहाँ पर इस एग्जांपल के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल का ये वन हो गया। तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम लोग रेंडम वेरिएबल का जो वैल्यू है वो लेते हैं और उसके साथ उसके प्रोबेबिलिटी को, करिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सभी रेंडम वेरिएबल के वैल्यू को उसके करिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको फिर ऐड कर देंगे, तो जो सम आता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारे प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो वन होता है। जैसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या क्या आया है? वन बाई फोर, टू बाई फोर और वन बाई फोर। तो 1 बाई फोर प्लस 2 बाई फोर और ये 1 बाई फोर, ये सभी प्रोबेबिलिटी को सम कीजिएगा, सिग्मा पी आई आप कह सकते हैं।
तो सिग्मा पी आई का वैल्यू कितना आएगा, आप 4 एलसीएम ले लीजिएगा, 1 + 2 + 1 यानी कि 4/4 यानी कि ये भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जितना भी वैल्यू मिलता है सारे का प्रोबेबिलिटी का अगर सम कर देंगे तो वो 1 होता है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी बताता है। तो ये हो गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब देखिए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, तो कंटिन्यूस केस में क्या कैसे डिफाइन किया गया है कि अगर हम लोग कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल लेते हैं तो वहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में। तो द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स, यहाँ पर कैपिटल एक्स जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसका जो है स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसका जो वैल्यू आएगा स्मॉल एक्स और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये जो वैल्यू आएगा इंटीग्रल जो आएगा उसी इंटीग्रल को हम लोग कहेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो कंटिन्यूस में क्या करते हैं, समेशन करते हैं एक्स इंटू पी एक्स को, रैंडम वेरिएबल को उसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से मल्टीप्लाई करके। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या करते हैं, रैंडम वेरिएबल को उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स। अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे इसके लिए भी हम लोग एक एग्जाम्पल को लेते हैं। क्वेश्चन है इफ एक्स इज ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू 2/x³ होगा व्हेन x ग्रेटर देन 1 और इसका वैल्यू 0 होगा व्हेन x लेस देन 1। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो एफ एक्स का वैल्यू ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, और अगर x लेस देन 1 हो तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू 0 है। तो फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेशन निकालना है x का। तो कैसे निकालते हैं जरा देखिए, बड़ा आसान है ये एक्सपेक्टेशन निकालना। तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया एफ एक्स। तो आप देखिए ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो अलग अलग इंटरवल में डिफाइन किया गया है, 1 से पहले के लिए अलग डेफिनेशन है, 1 से बाद के लिए अलग डेफिनेशन है। तो इसको हम लोग दो इंटीग्रल में डिवाइड कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक इंटीग्रेट करते हैं पहले, और फिर हम लोग क्या करते हैं 1 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस इन्फिनिटी टू 1 इस केस में फंक्शन का वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 मतलब 1 से छोटा के लिए, तो 1 से छोटा के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। और इस केस में क्या है वैल्यू, एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर 2/x³ है। अब देखिए आगे ये तो 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल ही 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए 1 to infinity, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1/x²। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते हैं 1/x² को, तो ये आप ऊपर ले जाइए x^-2 होगा, और इसका इंटीग्रल इसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 to infinity इंटीग्रेट करना है। अब इस माइनस को भी आप बाहर कर दीजिए तो उसको नीचे ले आते हैं 1/x और ये 1 to infinity। तो अब हम लोग अपर लिमिट पर बैठाते हैं, तो अपर लिमिट 1/infinity का वैल्यू 0 और 1 बैठाने से 1, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, एक्सपेक्टेशन जो है ये रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स का, तो वो एक्सपेक्टेशन कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेशन को या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल को मीन भी कहते हैं, इसको हम लोग मीन भी कहते हैं, और इसको डिनोट करने का जो तरीका है ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू को, तो मीन अगर मीन अगर कहेंगे तो उसको हम लोग एक्स बार से भी डिनोट करेंगे, या तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को ई ऑफ एक्स से डिनोट करते ही हैं, मीन भी कह सकते हैं, इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, या फिर म्यू से भी बहुत जगह डिनोट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है रैंडम वेरिएबल का उसको मीन भी कहेंगे और इस तरीके से भी डिनोट करेंगे, इसको भी याद रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं, अभी हम लोग देखे हैं
किसी रेंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन, अब हम लोग किसी फंक्शन का, रेंडम वेरिएबल का कोई फंक्शन है तो उसका एक्सपेक्टेशन देखते हैं। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये फंक्शन ऑफ ये रेंडम वेरिएबल का फंक्शन का एक्सपेक्टेड वैल्यू देखते हैं तो क्या होता है। कंसिडर कीजिए कोई भी रेंडम वेरिएबल एक्स को हम लोग ले रहे हैं विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर कंटिन्यूस है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा और अगर डिस्क्रीट है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा। तो हम लोग एफ एक्स मान लेते हैं या तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा, वो डिपेंड करता है रेंडम वेरिएबल एक्स पर। एक्स अगर कंटिन्यूस है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और डिस्क्रीट है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ये रेंडम वेरिएबल है और ये है उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और रेंडम वेरिएबल का कोई फंक्शन हम लोग जी एक्स मान लेते हैं। इफ जी ऑफ एक्स कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ ये रेंडम वेरिएबल एक्स, ये रेंडम वेरिएबल एक्स का कोई भी फंक्शन है तो इसका एक्सपेक्टेशन कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे जी ऑफ एक्स को एफ एक्स से यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो, और वही अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल रहेगा तो वहाँ पर इंटीग्रेट नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे समेशन करेंगे। ये जो जी ऑफ एक्स जो है फंक्शन जो है वो जी ऑफ स्मॉल एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके वहाँ पर समेशन कर देंगे तो ये जो आएगा रिजल्ट उसी को हम लोग कहेंगे जी ऑफ एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू। जैसा सपोज कीजिए, मान लीजिए अगर हम लोग को निकालना है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स रेंडम वेरिएबल का एक फंक्शन है। तो एक्स रेंडम वेरिएबल का फंक्शन है तो ये कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, इसको हम लोग यहाँ पर सम कर देंगे। ये डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल के लिए एक्स स्क्वायर को हम लोग एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम लोग जब एक्स का रेंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे थे तो वहाँ पर क्या कर रहे थे, एक्स से मल्टीप्लाई करते थे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को और उसके बाद हम लोग समीशन करते थे। अगर वही एक्स स्क्वायर का निकालना है तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपको निकालना है टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का, तो हम लोग क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को और उसके बाद हम लोग सम कर देंगे। तो डिस्क्रीट में सम करेंगे और कंटिन्यूस में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मान लीजिए अगर e ऑफ x स्क्वायर का निकालना है तो इसको हम लोग x स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये निकल जाएगा x स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो किसी भी रेंडम वेरिएबल के फंक्शन का भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं जो अभी हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए इस डिफिनेशन से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किसी रेंडम वेरिएबल का मीन तो हम लोग देख चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और वेरियंस क्या होता है इसके बारे में। वेरियंस ऑफ ए डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल क्या है ये देखते हैं कि कैसे डिफाइन किया गया है। मान लीजिए एक्स जो है वो डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल, और इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है एफ एक्स, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया। अब वेरिएंस ऑफ एक्स को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, वेरिएंस ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स का, और इसको डिफाइन करते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स, जहाँ पर ये एक्स में वैरी करेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x माइनस एक्स बार लिखते हैं, x बार क्या बता रहा है, x बार जो है वो मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया, x बार जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया या फिर आप मीन कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो ये तो एक फार्मूला है, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि इस तरीके से हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो इससे निकालना आसान नहीं होता है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स। अब हम लोग ये एफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और सभी में सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस सिग्मा टू एक्स इंटू एक्स बार एफ एक्स और प्लस सिग्मा एक्स इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर एफ एक्स। अब आप देखिए ये एक्स स्क्वायर को हम लोग एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से और उसका समेशन कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया रेंडम वेरिएबल एक्स स्क्वायर का, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया।
यहाँ पर मीन जो है, जब किसी भी रेंडम वेरिएबल का मीन निकालेंगे तो वो एक फिक्स्ड नंबर आएगा, वो एक कांस्टेंट आएगा, वो एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा, स्मॉल एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग मीन जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, टू एक्स बार को बाहर कर देते हैं और यहाँ पर बच जाएगा सिग्मा एक्स इंटू एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, और ये एक्स पर वैरी करेगा। और यहाँ पर भी हम लोग एक्स बार का होल स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बच जाएगा सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पर एक्स वैरी कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बार, और ये फिर क्या बता रहा है, ये एक्सपेक्टेशन का ही फॉर्मूला है। एक्सपेक्टेशन जब निकालते हैं तो एक्सपेक्टेशन कैसा निकालते हैं, सिग्मा एक्स इंटू एफ एक्स, जहाँ पर एक्स वैरी करेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन ही हो गया, यानी कि मीन ही हो गया, तो एक्स बार हो जाएगा और प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, और ये सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का समीशन जो होता है वो वन होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स बार स्क्वायर को कैसा डिफाइन किया करते हैं, या ये क्या है, ये जो है वो एक्सपेक्टेशन है। किसका एक्सपेक्टेशन है, एक्स रेंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेशन का हॉल स्क्वायर, ये जो एक्स बार है आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेशन है, तो एक्सपेक्टेशन का हॉल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वेरियंस निकालने के लिए। तो वेरियंस निकालने के लिए एक फार्मूला हो गया, वेरियंस निकालने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल करके फिर उसका हॉल स्क्वायर कर देंगे। तो ये वेरिएंस हो गया। और एक चीज होता है इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे डिफाइन किया गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, और ये डिफाइन किया गया है वेरिएंस का, हम लोग रूट अंडर ले लेंगे, वेरिएंस का जो रूट अंडर लेंगे उसका पॉजिटिव वैल्यू जो आएगा उसी को हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड एक सवाल को देखते हैं। मैं अभी एक एग्जाम्पल के बारे में बताया था कि अगर दो क्वाइन को एक साथ टॉस करते हैं तो उसका क्या एक्सपेक्टेशन निकलता है, कौन कौन सा रेंडम वेरिएबल का वैल्यू होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो उसी को मैं ले रहा हूँ। तो रेंडम वेरिएबल का वैल्यू 0, 1 और 2 था, और उसका जो प्रोबेबिलिटी है उसको एफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को पी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं या एफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एफ एक्स से मान लीजिए अगर डिनोट करते हैं तो रेंडम वेरिएबल का वैल्यू 0 है, यानी कि एक भी हेड नहीं आवे इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/4 था, 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 था और 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/4 था। मैं अभी बता चुका हूँ इस एग्जांपल को। अब देखिए क्या कीजिए, एक्स इंटू एफ एक्स निकाल लीजिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 आएगा और ये आ रहा है 2/4। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर करते हैं 0, 1, इसका स्क्वायर करते हैं तो 4, और फिर एक्स स्क्वायर को एफ एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर को एफ एक्स से ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब सिग्मा एक्स इंटू एफ एक्स निकाल लीजिए, तो ये आपका आ रहा है 1 और यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स निकाल लीजिए, ये आप ऐड कीजिएगा तो 3/2 आएगा। तो मीन कैसे निकलता है या एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलता है, इसको आप एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ये निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स इंटू एफ एक्स और ये कितना हो गया 1। और ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स का समीशन हम लोग देख चुके हैं 3/2। और वेरियंस कैसे निकालते हैं, तो वेरियंस निकालने का फॉर्मूला मैं अभी बताया हूँ, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू निकल चुका है, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू 3/2 और ई ऑफ एक्स 1 निकला है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये 1/2 हो गया। और स्टैंडर्ड डिविएशन अगर निकालना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए वेरिएंस का हम लोग रूट अंडर ले लेते हैं, ये पॉजिटिव रूट अंडर, यानी कि प्लस 1/√2 का रूट अंडर ले लेंगे, यानी कि ये 1/√2 हो गया, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताया हूँ, आप अपने बुक में देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल होगा, तो आप उसको इस तरीके से वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन या एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू का।
तो एक्सपेक्टेशन जो मैं आज बताया हूँ उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।